हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको दिवाली के अवसर पर एक बहुत ही प्यारा नेट का गाउन बताने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ये नेट लिया है। और जो हमारा ये नेट है, आप देख ही सकते हैं कि ये कितना प्यारा नेट है। और ये मैंने 3 मीटर लिया है, इसमें से हम फुल घेर का गाउन बनाएंगे। तो ये इसकी लाइनिंग है, लाइनिंग हमने सेंटून में ली है, ये भी हमने 3 मीटर ली है। और इसका पना है वो काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले हम अपने नेट के ऊपर कटिंग कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा टॉप पार्ट होगा उसके लिए कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें से कपड़ा कट कर लिया है ऊपर के टॉप पार्ट के लिए। तो इसको हम इस तरीके से बराबर करके बिछा लेंगे। ये हमने अपनी लेंथ और ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग ही कट किया है, जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम स्लीव्स में ले लेंगे। तो देखिए, जैसे हमको अपनी जो टॉप पार्ट है हमारा, वो हमको 15 इंच का तैयार चाहिए, जिसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये मैं 16.5 इंच ले रही हूँ, और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। और ये भी मुझे अपनी ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है कपड़ा यहाँ से भी। और देखिए, मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है, ये 2 पार्ट और ये 2 पार्ट। 4 ये खुले की साइड है, ये बंद की साइड है। बंद की साइड गला लगाएंगे, खुले की साइड आर्म होल लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जितना हमें चाहिए ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग उतना कपड़ा ले लिया है, अब यहाँ से हम तीरा लेंगे। तो देखिए, इसमें हम जो गला है वो हम बनाएंगे इसमें बॉटनेक में। तो हम यहाँ से अपना तीरा लेंगे 7.5 इंच का। अब यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे, वो भी हम 7 इंच की लेंगे। और यहाँ से ब्रेस्ट का 4th भाग लेंगे। ब्रेस्ट है 36, तो 36 का 4th हिस्सा निकालते हैं तो आता है 9 इंच, उसमें 2 इंच लूजिंग, तो हो गया 11 इंच। अब यहाँ से हम कमर का लेंगे, कमर है 27, तो 27 का हम 4th भाग करते हैं तो आता है 7 इंच। अब 28 है कमर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, 28 है कमर। तो कमर का 4th हिस्सा निकालते हैं तो आता है 7 इंच, उसमें 2 इंच की लूजिंग, और इसमें प्लेट डालेंगे उसके लिए 1 इंच कपड़ा, तो हम यहाँ से ले रहे हैं 10 इंच कपड़ा। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरीके से मिलाएंगे, और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे बैक के लिए, क्योंकि पहले हम इसमें से बैक पार्ट अलग कर लें 1/2 इंच की। यहाँ से हम ऐसे इसको तिरछा करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे जैसे हमने ड्राफ्टिंग की है उसी तरीके से, और इसी को रख के हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे इसी पार्ट को रख के। अब यहाँ से जो फ्रंट पार्ट में आएगा उसके लिए हम 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, एक पार्ट अलग कर देंगे इसमें से बैक वाला, और फ्रंट वाले पार्ट में हम ये बढ़ा देंगे। इस तरीके से अब ये हमारा हो गया। अब हम इसके अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा अस्तर है, इसको भी ऐसे ही रखेंगे 4 तह में और इसकी कटिंग करेंगे। अभी देखिए, हमने अस्तर को भी सेम कट कर लिया है जैसे हमने अपनी लाइनिंग को कटिंग किया था। ये देखिए, अब इसका बैक फ्रंट अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से हमारा आएगा। ये हमारा बैक का पार्ट है। अब उसके बाद इसका जो घेरा है उसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए, ये हमारा जितना भी कपड़ा बचा है आपके सामने, अब इसको हम इस तरीके से कमा भी हमारा ये 2 फोल्ड में है। ये देखिए, अभी ये 2 फोल्ड में है। अब इसका हम एक कोना उठाएंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे। कोई भी कोना ले लीजिए आप और उसको ऐसे मिला लीजिए। और ये जो हमारा ये वाला कपड़ा है, प्लेन है, इसको हम अलग कर देंगे यहाँ से, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अभी देखिए, हमने इसको बिल्कुल सर्कल में बिछा लिया। आप देख सकते हैं 4 लेयर में हमारा कपड़ा है, और कपड़े की बिल्कुल ये साइडें अच्छे से बराबर होनी चाहिए। ये देखिए, ये 4 लेयर हैं इसकी कपड़े की, अच्छे से हमने बराबर कर दिया है। अब हम हमारा जो टॉप पार्ट है, या तो आप इसको रख लीजिए, या फिर अपनी कमर को नापिए और उसका 4th हिस्सा निकालिए और उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। लेकिन हम इससे इसको मार्क करेंगे। अभी देखिए, जैसे हम इसमें प्लेट डालेंगे तो हम प्लेट के लिए पहले ये 2 इंच कपड़ा अलग कर देंगे। इस कपड़े से अलग हम मार्क करेंगे, यहाँ से इस तरीके से रखेंगे कपड़े को, और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हम इस सीधी लाइन को देखेंगे कि हमारी जो ये लाइन है ये बिल्कुल बराबर है कि नहीं। तो देखिए, ये हमारी 10 इंच पे है बिल्कुल, ये हमारी बिल्कुल 10 इंच पे है। इस तरीके से इंच टेप को घुमा के देख लीजिए ऐसे। अभी देखिए, जैसे मुझे ये गाउन है जो मेरा 55 इंच का मुझे तैयार करना है, तो इस घेरे को मैं 40 इंच का लूंगी, और उसमें जितना भी मेरा मार्जिन होगा, तो देखिए इसमें मेरा वैसे ज़्यादा मार्जिन नहीं है क्योंकि मुझे 40 का घेरा तैयार चाहिए। तो मेरा सिर्फ इसमें
एक या डेढ़ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होगा, डेढ़ इंच कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा है इसमें, लेकिन जितना भी हमारा बच रहा है वो हम पूरा ही ले लेंगे क्योंकि हमारा ये फोल्डिंग में आ जाएगा। तो हम यहाँ से 43 इंच पे निशान लगाएंगे, 43 पे। अब यहाँ से हम पूरा 43 पे ही लगाएंगे। तो इसको हम 43 तक एक गोल सर्कल बना लेंगे बिल्कुल राउंड में। लेकिन आप इस चीज का आप ध्यान रखें कि आपका जो टेप है उसको बिल्कुल ऐसे करते हुए, या तो आप किसी की सहायता लेके यहाँ पे कुछ वजन की चीज रख लें या किसी का पैर रख दें, ताकि आपको ये देखिए इस तरीके से आपने किसी का ऐसे पैर रखा और आपको अब खींच के इस तरीके से एक गोल सर्कल बना लेना है। इससे आपको थोड़ा सा उधर उधर से नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे, तो इससे हमारा गोल सर्कल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने गोल सर्कल बना लिया है, तो इस तरीके से मेरा 55 इंच का गाउन तैयार होगा और ये मार्जिन होगा, ये यहाँ तक हम इसे तैयार रखेंगे। इस कपड़े को हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, इतना पूरा लेके जितना हमें चाहिएगा, और जो मार्जिन होगा वो हमारे टॉप पार्ट में भी है, तो प्रॉपर हमारा 55 इंच का गाउन तैयार हो जाएगा। और हम इसकी कटिंग कर देंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे पहले हम कमर वाले हिस्से से। अभी जो हमारा ये सर्कल है इसकी कटिंग कर देंगे। और देखिए जो आपके सामने मेरा ये कपड़ा बच गया है, या तो आप इसमें से अपनी चोली निकाल लीजिए, लेकिन मैं इसको किसी और चीज में यूज करूंगी क्योंकि मैं इसे कुर्ती बनाऊंगी और कुर्ती में यूज करूंगी, और इसमें से मैं अपनी स्लीव्स भी निकालूंगी। स्लीव्स मेरे थोड़े से कपड़े में से निकल जाएंगी, लेकिन मैं इसे कुर्ती में यूज करने वाली हूँ जितना भी मेरा कपड़ा बचा है। अब उसके बाद इस कपड़े को हम अलग कर देंगे। अब हम आपको पहले इसका घेरा दिखाई देते हैं, तो इस घेरे को हम पहले यहाँ से अलग कर देंगे। ये दो पार्ट है, इनको हम सिंगल पार्ट इस तरीके से अलग अलग पार्ट करके फिर इसका घेरा दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए इस तरीके से इसका घेरा आएगा खूब सारा, और ये हो गया कमर वाला हिस्सा। ये देखिए अब इसको रख के लाइनिंग की कटिंग करेंगे हम, जितनी हमारी लाइनिंग है। अभी देखिए मैंने ये लाइनिंग उसके लिए अस्तर के लिए कपड़ा लिया है, लेकिन जो अस्तर का कपड़ा है वो हमारा थोड़ा सा छोटा है, इससे अब की बार इतना साइज नहीं मिला। तो देखिए हम आपको थोड़ा सा निशान लगा के दिखाते हैं, ये मेरा इतना छोटा वहां से उस कोने से तो बिल्कुल बराबर है। तो हम आपको बताएंगे कि आपको लेंथ किस तरीके से बढ़ानी है। आप देखिए जैसे हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है, इसको आप इस तरीके से रख लीजिए दो फोल्ड में ही, इस तरीके से दोनों पोर्शन को ऊपर करके रखिए, क्योंकि इसमें कुछ कान भी है, इसको मैं पहले बराबर कर लूंगी वहां से, फिर उसके बाद इसके ऊपर रखूंगी। अभी देखिए जो हमारा ये कपड़ा है इसको बराबर कर लिया है, इसको इसके ऊपर करीबन 1 इंच ऊपर रखेंगे ऐसे बिल्कुल बराबर करके। अगर आप इस गाउन को खरीदना चाहती हैं तो हमारी estitching.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, आप वहां जाकर इस गाउन को खरीद सकती हैं, या फिर आपको मेरे जो भी गाउन पसंद आए, कोई भी सलवार पसंद आए, आप वहां जाके इन्हें खरीद सकती हैं, या फिर हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक पहुंचा सकें। तो देखिए इससे हमारी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, अब आप देख सकती हैं कि अब इसकी जो लेंथ है वो काफी बढ़ जाएगी। तो इसको हम बिल्कुल बराबर करके बिछा के और सेम तरीके से कटिंग कर देंगे। अगर आपका अस्तर भी इसी तरीके से छोटा बैठ रहा है तो आप ऐसे ही अपने लिए कपड़ा ज्वाइंट करके निकाल सकती हैं घेरा। और ये जो नेट का कपड़ा था इसका पना बड़ा था, इसका काफी बड़ा पना था, और अच्छे से पहले सेट कर लीजिए चाहे कितना भी टाइम लग जाए, क्योंकि जो गाउन होता है वो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी लेंथ और इस घेरे के ऊपर। अगर ये प्रॉपर बैठा तो आपका गाउन बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ से हम ऐसे ही कटिंग करेंगे इसकी। और पिन से सेट कर लेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि हमारा ज्वाइंट कहाँ कहाँ आएगा। यहां से भी इसको कट कर देंगे। अभी कमर वाला हिस्सा और कटिंग कर लेते हैं पहले। अभी देखिए हमारे ये कट हो चुके हैं पीस, अब हम इसको उठाएंगे। अब देखिए हमारा जो जोड़ है वो इस तरीके से दोनों पार्ट के लिए हो जाएगा ऐसे। अब इसको हम अलग करके इसके साथ अटैच कर देंगे।
अभी देखिए मेरा गाउन कटिंग होने के बाद ये मैंने स्लीव्स के लिए मैं इसमें हाफ स्लीव्स बना रही हूँ, फुल स्लीव्स नहीं बना रही, तो मेरा ये इतना कपड़ा बच गया है जिससे मैं अपने लिए कुर्ती डिजाइन करूंगी। इसका वीडियो मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा कपड़ा बच रहा है और ये कुछ इसका अस्तर है लाइनिंग यानी कि। अब उसके बाद इसको हम अलग रख देते हैं, इससे हम कुर्ती डिजाइन करेंगे। और अब हम आते हैं स्लीव्स की तरफ, तो स्लीव्स कट कर लेते हैं इस तरीके से। स्लीव को चार तह में रखा है मैंने, ये बंद की साइड है, खुले की साइड है। कहेंगे अभी देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि जैसे हमने अपने आर्म होल लिए थे 7 इंच यानी कि 7 इंच, उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है यानी कि 9 इंच लेना है मुझे अब स्लीव्स के लिए। अभी देखिए जैसे मैं अपनी स्लीव्स को जो तैयार करूंगी वो करूंगी मैं इसे 4 इंच की, ठीक है। उसमें मैं लूंगी आधा इंच एक्स्ट्रा, आधा या 1 इंच तक भी चलेगा। तो यहाँ से हमने लिया है 5 इंच, ठीक है। अब 5 इंच के बाद अभी जो हमने यहाँ से 9 इंच में निशान लगाया था, अब हम ऊपर की साइड से लगाएंगे 3 इंच में निशान। अभी हम क्या करेंगे देखिए, अभी हम जो ये वाला निशान है इसको हम इस तरीके से लाएंगे और इस निशान से मिलाएंगे इस तरीके से। हल्का सा कर्व देखिए हमने मिलाया, जितना भी फिटिंग का वो रखना चाहते हो उस तरीके से यहाँ से करके और हल्का सा कम कर दें इस तरीके से और इसकी कटिंग कर दें। और इसमें मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी, इसको मैं ऐसे ही रखूंगी, आप चाहें तो अस्तर लगा सकती हैं। अभी जो फ्रंट आर्म होल की साइड कटिंग होगी उसको भी कर लेते हैं हम इस तरीके से, आधा इंच की ऐसे। तो देखिए लेते हैं, तो इसके लिए हम बॉट नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो बॉट नेक की कटिंग करने के लिए हमने पेपर पेस्टिंग ली है, इसमें से हम दोनों गले एक साथ कटिंग करेंगे। जिसकी लेंथ है जो वो मैंने 10 इंच ली है और जो इसकी विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच ली है, 8.5 इंच। अब हम इसको क्या करेंगे देखिए, अभी हमारी ये इस तरीके से, अब इसको हम ऐसे डबल कर लेंगे यानी कि इसको मैंने 4 लेयर में कर लिया है जिससे हमारे दोनों गले एक साथ सेम तरीके से निकल सकें। तो हम बॉटनेक की जो चौड़ाई है वो ले रहे हैं 4 इंच और जो इसकी लेंथ है वो ले रहे हैं हम 3 इंच। अब यहाँ से भी हम 4 इंच पे ही निशान लगाएंगे इस तरीके से, इसको इससे मिलाएंगे और अब यहाँ से हम इस तरीके से बॉटनेक की शेप देंगे। ये देखिए बॉटनेक की शेप इस तरीके से दी जाती है, यहाँ से जो गोलाई होती है वो करीबन 1.5 इंच की रहती है। अब यहाँ से हम 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब इसकी कटिंग कर देंगे, अब यहां से कटिंग करेंगे तो देखिए हमारे पास ये अब 2 गले आ गए हैं बॉटनेक में, एक गला और ये दूसरा गला। इससे 2 गले सेम कटिंग करने का ये फायदा है, एक तो ये बिल्कुल एक जैसे कटते हैं, कहीं से छोटे बड़े नहीं होते और एक साथ कट जाते हैं। अभी देखिए जो हमारे पैटर्न बचे हैं इनमें से हम कुछ डिजाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए देखिए अभी हमारा ये सिंगल फोल्ड में है, इसको डबल फोल्ड में करके और फिर 4 फोल्ड में कर लेंगे इस तरीके से। इसमें से हम एक छोटा सा पैटर्न कट कर लेंगे इस तरीके से, निशान लगा के इस तरीके से छोटा सा पैटर्न कट करेंगे जो कि हम फ्रंट गले में लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बुकरम है तो आप बैग के लिए बड़ा भी कट कर सकती हैं। तो जैसे हमारे पास ये बुकरम है तो हम इसको भी ऐसे सिंगल करके इस तरीके से और एक बड़ा पीस कट कर लेंगे इस तरीके से, इसमें से हमारा आराम से बड़ा पीस निकल जाएगा इस तरीके से, जिसे हम बैग में लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे हम ऐसे ही। तो देखिए ये हमारे पास इस तरीके से पीस आ गया है कट के और ये हो गया हमारा छोटा पीस। अब इन सबको हम प्रेस से चिपका लेते हैं। इसको प्रेस कर लिया है यानी कि जितने भी मेरे पैटर्न थे सबके ऊपर प्रेस कर लिए। अभी आपको जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम इस तरीके से देखिए मशीन के नीचे रखेंगे ऐसे और इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे, यानी कि मेरे जितने भी 4 पैटर्न हैं उनको सेम हमें प्रेस से चिपका के, अगर आपकी पेपर पेस्टिंग नहीं है बुकरम है तो आप सिलाई लगा के भी सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये पूरे इसको कपड़े को फोल्ड कर देंगे। अभी देखिए मैंने इसको फोल्ड कर दिया है,
अब उसके बाद इसका हम सेंटर करेंगे, और जो बाकी के पैटर्न है उनको भी हमने, ये देखिए इसको ऐसे सेंटर करके और बीच में एक चौक से निशान लगा लेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे जिससे गला टेढ़ा ना हो हमारा। इस तरीके से बीच में एक कट भी लगा देंगे ऐसे। तो देखिए इसी तरीके से मैंने अपने दोनों गले और ये बैक का पैटर्न और ये फ्रंट का पैटर्न सबको मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसका गला तैयार करते हैं। तो देखिए गला तैयार करने से पहले आपकी जो लाइनिंग और नेट है उनको इस तरीके से पूरे में अटैच कर लीजिए। अगर आपसे डायरेक्ट मशीन से ना हो तो आप सुई से कच्चा कर लीजिए ताकि आपका कपड़ा एक जैसा फिट रहे। देखिए बीच में कहीं पे भी आपका झोल नहीं आना चाहिए, एकदम जैसे हमारा आपको कपड़ा दिख रहा है इसी तरीके से आपका कपड़ा होना चाहिए। अगर बाई चांस आपका जैसे कि सिलाई करते में इधर उधर को निकल जाए तो उसको बराबर कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे लाइनिंग और हम उसको नेट को अटैच करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर को हो ही जाता है। अभी हम इसका भी सेंटर कर लेंगे बीच में। तो देखिए मैंने सीधी साइड को निशान लगा लिया है। अब हम अपना ये गला रखेंगे इसके ऊपर बॉट नेक बराबर करके और बीच में सिलाई लगाएंगे। आप सुई से भी या पिन से भी, पिन लगा के भी सेट कर सकते हो, लेकिन मैं सिलाई लगाते हुए इस साइड से इस साइड को कर दूंगी। अब यहाँ से एक पॉइंट सिलाई को चला के इस तरीके से घुमा के अपनी साइड को अब हम इस साइड सिलाई लगा लेंगे। अब यहां से धागे को कट करके अब हम इस साइड सिलाई लगाते हुए लाएंगे इस साइड, इसको भी यहां मिला देंगे। अभी देखिए हमने ये सिलाई दोनों साइड लगा दी है। अब हम ये कपड़ा यहां से कटिंग कर देंगे। अभी कपड़ा कटिंग कर दिया है, थोड़ा सा एक पॉइंट की दूरी से ही कट करें, छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट आप इस तरीके से लगाएं कि जो आपका सिलाई वाला हिस्सा है वो ना कटे। अब इसको हम ऐसे रॉन्ग साइड को फोल्ड कर देंगे इस बुकरम को। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे, प्रेस से सेट कर लीजिए आप इसको इस तरीके से, बहुत आसानी से ये सेट हो जाता है। देखिए ऐसे इसको बिल्कुल अच्छे से हाथ से भी प्रेस कर सकते हो। और फिर इसके बाद इसका जो हमने पैटर्न बनाया है उसको लगाएंगे। देखिए गले को हमने सेट कर लिया है। अब हम अपना ये छोटा वाला पैटर्न लेंगे और इसको रखेंगे इसके साथ ही इस तरीके से, बिल्कुल उसी सेंटर में रख के और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। इससे हम करीबन इसे 1.5 इंच या 1 इंच ऊंचा रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में सिलाई को लगाएंगे। ये थोड़ा सा उठा के देख लें आप सेंटर में ही है कि नहीं सिलाई, क्योंकि सिलाई आपकी बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। अब सिलाई को जैसे हमने बॉटनेक में घुमा के सिलाई लगाई थी सेम आपको उसी तरीके से सिलाई लगानी है, ऐसे घुमाते हुए पूरे राउंड में। बीच की सिलाई लगाने से ये फायदा होता है कि फिर बुकरम एक जगह डट जाती है, इधर उधर को नहीं खिसकती है वो। अभी देखिए इसको भी हम कट कर देंगे यहाँ से बीच में से एक छोटा सा कपड़ा इस तरीके से कट करके। और देखिए ये कपड़ा आपको बहुत ही हिसाब से कट करना होगा, आपका इधर उधर से ना कट जाए कपड़ा, ध्यान रखते हुए आपको ऐसे गोल गोल कट कर लेना है इसको इस तरीके से। अभी देखिए कपड़ा कट करने के बाद अब इसके भी छोटे छोटे कट लगाएंगे। कोनों पे जरूर कट लगाए, जो ये कोने हैं इन पे अगर कट नहीं लगाएंगे तो आप इसे किसी भी हालत में फोल्ड नहीं कर सकते, आपकी सलवटें पड़ेंगी अगर आप छोटे छोटे कट। लेकिन कट लगाते समय ये जरूर ध्यान रखें कि जो आपकी सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए, सिर्फ आपको कट कपड़े के ऊपर लगाना है ना कि सिलाई के ऊपर। अभी देखिए इसको हम इस तरीके से उल्टी साइड को फोल्ड कर देंगे ऐसे, इस तरीके से इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रंट गला तैयार हो चुका है। और देखिए जो ये वाला कपड़ा था इसके ऊपर मैंने तुरपाई कर ली है और इसके ऊपर मैंने डायरेक्ट सिलाई लगाई थी। तो इस तरीके से हमारा पार्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें हम प्लेटों के लिए निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से बिल्कुल बराबर रखेंगे इसको पीस को और यहाँ पे निशान लगाएंगे, इंच टेप को सीधा रखेंगे और यहाँ से हम 11 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, आर्म होल की साइड से एक प्लेट हम यहाँ डालेंगे, यहाँ हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमारी 2 प्लेटें आ जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ पे भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही प्लेटें डालूंगी। और अब इन प्लेटों को इधर लाने के लिए आपको
इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना होगा और ऐसे हाथ से थोड़ा सा प्रेस करना होगा ताकि ये निशान हमारे इस साइड भी आ जाएं। ऐसे अब इन प्लेटों को हमें डाल लेना है। तो देखिए जैसे हमने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, ये चीज़ हमने आपको कटिंग करते टाइम भी बताई थी कि हमें 1.5 इंच हमें कट का सॉरी कट कम कट करना है उससे घेरे से, तो हमें वही 1.5 इंच की प्लेटें डालनी है ताकि हमारा जो घेरा है वो प्रॉपर इसके बराबर बैठ सके। तो हम 1-1 इंच की प्लेट डाल रहे हैं, आधा इंच फोल्ड कर रहे हैं, तो टोटल हमारा 1 इंच हो जाएगा ये। और एक बार अपने घेरे से भी नाप के देख लें कि कम ज़्यादा ना हो। अब ये 2 प्लेट डाल ली हैं, अब ये साइड की प्लेट को ऐसे उठाएंगे और यहीं से डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मेरा ये फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पप भी लगा सकते हो। अब इसका हम बैक पार्ट तैयार करते हैं। तो देखिए ये हमने बैक पार्ट ले लिया है, इसकी दोनों प्लेटें हमने डाल ली हैं। अब उसके बाद इसका हमने सेंटर भी कर लिया है जैसे हमने आपको फ्रंट में बताया था। अब जो हमारा ये पीस है इसको हम सॉरी पहले हम गला तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। ऐसे गला तैयार करके जैसे अभी फ्रंट का बताया था उसी तरीके से। अभी देखिए सिलाई लगा ली है, इस कपड़े को भी सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे, सेम तरीके से रॉन्ग साइड को पलट के और सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए ये मैंने मशीन से ही लगा दी है सिलाई, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद इसका जो हमारा पैटर्न है ये वाला, इसको रखेंगे हम। ये जो नोक है इसको चाहे आप ऊपर की साइड कर लीजिए चाहे नीचे की साइड कर लीजिए, तो मैं इसको थोड़ा नीचे की साइड करूँगी। और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको रखेंगे और बीच में सिलाई लगा देंगे। अभी देखिए चारों तरफ से सिलाई लगा ली है, अब बीच में इसको रख के और यहाँ से कटिंग कर देंगे और फिर चारों तरफ से कपड़ा निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से पहले एक बड़ा सा होल बना लीजिए, फिर आराम से आप इस तरीके से सीजर से कपड़े को आराम से निकालिए। आपका जो दूसरे साइड से कपड़ा है वो नहीं कटना चाहिए ऐसे, और फिर इसमें छोटे छोटे कट लगा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने तैयार कर लिया, इसके ऊपर भी मैंने तुरपाई की है। ये देखिए इस तरीके से रॉन्ग साइड को तुरपाई कर ली, इसके ऊपर जैसे बैक में सिलाई लगाई थी। और देखिए आपका ये वाला पैटर्न इसके ऊपर सेट हो जाता है। तो ये बैक हो गया और फ्रंट हो गया। अब चलिए इसका घेरा तैयार कर लेते हैं। तो देखिए घेरा तैयार करने के लिए जैसे हमें 40 चाहिए था तो हमारा ये 2 इंच ज़्यादा था, उसके ऊपर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करके और उस पर पिन लगा दी हैं। यानी कि जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा था उस पर एक सीधी लाइन बना के और पिन लगा लीजिए, कच्चा कर लीजिए, उससे आपका घेरा ऊंचा नीचा नहीं बनेगा। अगर आपको ये सब करना नहीं आता है तो मैंने स्पेशली एक ब्लू कलर का गाउन अपलोड किया हुआ है जिसपे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बॉटम तैयार करना बताया है, आप हमारा वो वाला वीडियो देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, देखिए उल्टी साइड को हमने कपड़ा फोल्ड किया है, थोड़ा सा कपड़ा लेंगे और इस तरीके से पूरे बॉटम पे हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। और देखिए ये कपड़ा हमारा है जो वो उसमें आता है अम्ब्रेला में, तो इसमें कई जगह पे प्लेट भी आ जाती हैं, तो जहाँ पे प्लेट आए वहाँ पे छोटी सी प्लेट डाल दें। तो इसी तरीके से हम अपने पूरे बॉटम को तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस कपड़े को मैंने पूरा नीचे बॉटम से फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब जो इसका अस्तर है उसको फोल्ड करेंगे। अभी देखिए जो अस्तर में हमने ज्वाइंट लगाया था वो हमारा इस तरीके से आया है और ये अंदर की साइड आ जाएगा, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और लेकिन आप अगर आप किसी साड़ी में से बना रहे अगर फ्रंट में ये कट आए तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ये मैंने मजबूरी में मुझे कपड़ा नहीं मिला तब मैंने लगाया, बाकी मैं कभी ये ज्वाइंट नहीं लगाती हूँ। लेकिन अब की बार मुझे सेम कपड़ा नहीं मिल रहा था, थोड़ा डिफरेंट मिल रहा था, इस वजह से मुझे ये लगाना पड़ा। लेकिन ये अंदर आ जाएगा, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वैसे भी हमारा प्रिंटेड है नेट जो। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको भी जैसे हमने उसको लिया था 41 इंच का, तो इसको भी हमने 41 लिया है, लेकिन इसको हम फोल्ड करेंगे 2 इंच के बराबर, 3 इंच के बराबर। तो पहले हम देंगे 1.5 इंच का फोल्ड और फिर ऊपर से देंगे, यानी कि हम इस पर सिंगल सिलाई लगा देंगे पूरे में, इससे इसमें झोल नहीं पड़ेगा और ये आसानी से लग जाएगी। यानी कि इस सिलाई को हम बिना मोड़े पहले एक लेयर इसकी ऐसे ही लगा लेंगे। अभी देखिए हमने ये पूरा फोल्ड पूरे राउंड में लगा लिया है, अब हम क्या करेंगे इसको एक बार और फोल्ड करके अब ये हमारा आसानी से फोल्ड हो जाएगा। और ये हमें दोनों पार्ट में करना है, यानी कि हम आपको एक पार्ट में बता रहे हैं, अभी जो दूसरा पार्ट होगा बैक का उसमें भी सेम हमें अस्तर को भी ऐसे ही तैयार करना होगा और नेट को भी जैसे हमने अभी आपको तैयार करके दिखाया है। अब इसको हम पूरी सिलाई लगा के तैयार कर लेते हैं। अभी देखिए दोनों का बॉटम फोल्ड करने के बाद अब हम इनका जो ये उल्टी साइड होनी चाहिए और इसकी ये भी उल्टी साइड होनी चाहिए। अब दोनों को मिला के सीधी साइड से सीधी सिलाई और इसकी कमर वाले हिस्से को सिल देंगे, जो इसका कमर वाला हिस्सा है। ऊपर से बॉटम हमने तैयार कर लिया है, ये कमर वाला हिस्सा है इसका, और दोनों को हम एक साथ सिल देंगे।
अभी देखिए, मान लीजिए आपका जो अस्तर है वो थोड़ा बहुत बड़ा है, तो आप इस तरीके से प्लेट डाल सकती हैं छोटी छोटी, क्योंकि ये अस्तर में आएंगी ना कि आपके नेट में, अंदर की साइड आ जाएंगी ये। तो इस तरीके से हमने दोनों को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से खोलेंगे और इसका हम एक पार्ट ज्वाइंट कर लेंगे इसमें, तो हम इसका बैक पार्ट, वो फ्रंट पार्ट ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से, रख के सिलाई लगा देंगे। अभी देखिए, आप ये चीज़ देख लीजिए कि आपका ये कमर वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर है कि नहीं। तो ये हमारा एकदम बराबर आ रहा है, क्योंकि हमने प्लेट बिल्कुल हिसाब से डाली है। अब हम यहाँ से इसको अटैच करेंगे इसके साथ। दूसरे पार्ट को भी हम ऐसे ही ज्वाइंट करेंगे जैसे हम इसको कर रहे हैं, और फिर हम इनका तीरा ज्वाइंट कर देंगे। अभी देखिए, दोनों के घेरा अटैच करने के बाद इनका तीरा हम आपस में ज्वाइंट कर लेंगे और फिर इनकी स्लीव्स लगा लेंगे। तो तीरा को बिल्कुल बराबर रख के और अटैच कर देंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये तीरा ज्वाइंट कर लिया है। ये गला है, ये फ्रंट गला है और ये बैक का गला है। अब इसमें बाजू लगाएंगे। तो देखिए, हमने इस स्लीव्स ली है, इसको हमने 1 इंच के बराबर फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने फ्रंट का कट लगाया था उसको फ्रंट साइड लेके और इसको बाजू को हम इसमें आर्म होल में अटैच कर देंगे। आप चाहें तो इसे बिना स्लीव्स का भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसमें बिना अस्तर की बाजू लगा रही हूँ, यानी कि उस पर मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ। अगर आप इस गाउन को खरीदना चाहती हैं तो हमारी estitching.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाके आप इसे खरीद सकती हैं और आपके घर डिलीवरी होगी। तो देखिए, हम इस बाजू को पूरे में लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आपको गाउन को उल्टा करके और इस पे फिटिंग के लिए निशान लगा लेना है। तो मैंने कमर से लेके और ब्रेस्ट तक कमर निशान लगा लिए हैं, और फिर साइड से इस तरीके से कम करते हुए आपको सीधा जाना है। आप किसी कुर्ती से या गाउन से ही निशान लगा सकती हैं। अब हम इस पे सिलाई कर लेंगे। अभी देखिए, हम यहाँ से बाजू से फिटिंग करेंगे। और आपकी ये बाजू वाली साइड, कमर वाली साइड एकदम से बराबर होनी चाहिए, कहीं से भी कोई भी साइड कम या ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ऊंची होगी तो आपका जो गाउन है वो मतलब छोटा बड़ा हो सकता है इसके जो पर्दे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए, अब देखिए सिलाई को आपको इस और चारों पीस पकड़ के आपको सिलाई लगानी है। जैसे हम चारों पीस पकड़ के एक बार में ही सिलाई लगा देंगे। अभी कमर वाली साइड से ऐसे अब कपड़े को कम करते हुए नीचे बॉटम तक चलना है, और दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगानी है हमको। ये देखिए, सॉरी थोड़ा कैमरा उस साइड था। देखिए, यहाँ से अब सीधी सिलाई लगाएंगे नीचे बॉटम तक। और देखिए, थोड़ा सा बॉटम और दिखा दूँ मैं आपको इसका। ये देखिए, जो अस्तर वाली दोनों साइड हैं ये हमारे नेट से इतनी ऊंची हैं, ये देखिए जितने आपको दिख रही हैं ये। अब ये बॉटम भी आपके बराबर ही होने चाहिए। देखिए, जैसे हमारे नेट के बॉटम हैं ये बिल्कुल हमारे बराबर हैं। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे इसके। ये देखिए, गाउन बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकती हैं इसका पूरा लुक, और बैक में भी मैंने इस तरीके से डिजाइन दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा।